बाजपुर में किसानों को धरना देना उस वक्त भारी पड़ गए जब पुलिस ने सड़क जाम के मामले में एक दर्जन से अधिक किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। बता दें कि मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने सरकार से उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस दिए जाने की मांग को लेकर भगत सिंह चौक पर सड़क जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन और सड़क जाम के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि किसानों पर मुकदमे लगवाकर सरकार उनकी जमीनों को हड़पना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बाजपुर सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुकदमे में नाम नहीं है, जिसके चलते उन्हें वापस लौटा दिया गया है। ये उत्तराखंड सरकार ने हम सब लोगों को अंग्रेजी हुकूमत का शासन याद दिलवा दिया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी तानाशाही ना किसी सरकार ने की है, ना कोई सरकार कर सकती है। और हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप किसान मजदूरों और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज करोगे तो हम जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने लोग आपके पास बंद होने के लिए आएंगे। आप किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ दबा नहीं सकते ज़बरदस्ती। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से कि एक तो आप जीवन भर की पूंजी लोगों की हड़पना चाहते हो, लूटना चाहते हो, और अगर वो रोते हैं तो रोने भी नहीं देना चाहते। आप उन पर मुकदमे दर्ज करते हो कि आप अपनी दर्द बयां मत करवाओ। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर भी उपस्थित हैं और पूरा आशीर्वाद पूरे पार्टी के नेताओं का है। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ हम यहाँ गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन हम ये चेतावनी जरूर देना चाहते हैं कि जिस दिन भी किसानों की गिरफ्तारी की बात अगर हुई और किसानों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो ये थाना तो क्या है, हल्द्वानी की जेल भी कम पड़ जाएगी और अन्य जेलें भी इंतजाम करना पड़ेगा। इतनी जेलें हम भर देंगे और इस तानाशाह सरकार को हिला करके दम लेंगे। बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजह से, और सोने पे सुहागा जिस तरीके से इन लोगों ने बाजपुर उजाड़ने का काम किया, उसी प्रकार आज जो इस बाजपुर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे किसान, उन पे बल्कि उन्हें सहानुभूति देने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय ये सरकार उल्टा उन पे अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के अंदर राज करते थे उसी भांति ये झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और किसानों की आवाज़ दबा रही है। और कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के साथ खड़ी है, भले इस लड़ाई के लिए हमें अपना सर्वस्व नुछावर क्यों ना करना पड़े, जेल भरने पड़े, हमारे नेताओं को यहाँ पे आकर रात दिन एक करके धरने पे बैठना पड़े। कांग्रेस पार्टी किसानों की और बाजपुर वासियों की लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेगी। कल एक कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसमें कुछ लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करा और रोड जाम करी, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन की जो धाराएं 188, 269, 70 उनमें 10 से 15 व्यक्तियों पे लगभग लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, जो मुकदमा पंजीकृत करा गया है उसमें वो लोग नहीं है, तो इस वजह से उनको वापस भेज दिया गया है।